हेलो एवरीवन, दिस इज जयंत महाजन, असिस्टेंट प्रोफेसर आईटीएम कॉलेज देहरादून। टुडे द टॉपिक वी हैव टू कवर इज एग्रीगेट प्लानिंग विच इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट विच इज़ इन बीबीएस सेकंड सेमेस्टर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्रीगेट प्लानिंग। एग्रीगेट प्लानिंग का मतलब ये होता है कि यू आर प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड यू आर प्लानिंग अबाउट ईच एंड एवरी थिंग, लाइक यू हैव प्लान्ड अबाउट एवरी रिसोर्स विच यू विल टेक इन ऑर्डर टू डू सम मैन्युफैक्चरिंग and you have planned about the coming 5 years. So that is the scale of aggregate planning. Here it is written that aggregate planning is an activity that makes an aggregate plan for the whole production process for the upcoming 6 to 18 months to give an idea to management as to what quantity of materials and other resources are to be arranged and when to arrange them. Like aggregate planning ka matlab ye ek planning process hai jiske through aggregate plan ban raha hai, aur us aggregate plan mein hai kya pura ka एक होल प्रोडक्शन प्रोसेस का, वो भी आने वाले 6 से 18 महीने, मतलब एटलीस्ट 6 मंथ्स का एग्रीगेट प्लान तो बनना ही चाहिए, ओनली देन इट विल बी कॉल्ड एन एग्रीगेट प्लान। 6 मंथ से ऊपर के भी बन सकते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल के भी एग्रीगेट प्लान बन सकते हैं, लेकिन 5 ईयर्स 6 ईयर्स के एग्रीगेट प्लान बनाए नहीं जाते। उसका रीज़न ये होता है कि किसी को पता नहीं होता कि आज से 1 साल बाद सिचुएशन क्या होगी। तो अगर हम 5 साल का प्लान अभी से बना कर रख लेंगे तो हमें नहीं पता कि 4 साल के बाद हो सकता है कि सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट हो, हमारा बिज़नेस किसी और डायरेक्शन में हो, तो उस वक्त वो प्लान काम नहीं करेगा। तो इतना लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो हद से हद हम बनाते हैं 1.5 ईयर्स और 2 ईयर्स के प्लान। नाउ एग्रीगेट प्लान में हम एक एक चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, एक एक चीज़, लाइक एवरी रिसोर्स विच विल बी यूटिलाइज इन द कमिंग 2 ईयर्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। लाइक हम सप्लायर से रॉ मटेरियल कब लेंगे, वो कब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, उसको कब ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टू द मार्केट, ईच एंड एवरी थिंग। हाउ मेनी वर्कर्स विल बी एम्प्लॉयड, वट काइंड ऑफ वेजेस और सैलरीज विल बी पेड टू दैम, ईच एंड एवरी थिंग विल बी कंसिडर्ड वाइल मेकिंग द एग्रीगेट प्लान। एंड आफ्टर मेकिंग द प्लान इज एग्जीक्यूटेड। नाउ द क्वान्टिटी ऑफ आउटसोर्सिंग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ आइटम्स, ओवर टाइम ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर्स, अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री टू बी हेल्ड इन स्टॉक फॉर ईच पीरियड आर डिसाइडेड। एग्रीगेट प्लानिंग में हम ये भी डिसाइड करते हैं कि भाई हम आउटसोर्सिंग अगर करेंगे, मतलब किसी और कंपनी को अपना काम देंगे, तो किसे देंगे और कब देंगे। सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ आइटम्स, मतलब कुछ आइटम्स हमने किसी और कंपनी को बोल दिया कि हमारे लिए आप मैन्युफैक्चर करिए और हमको ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, दैट इज़ सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ आइटम्स। ओवर टाइम का हिसाब किताब क्या होगा, लेबर का, ऑल दीज थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट प्लान। देन वॉट आर द फैक्टर्स विच आर कंसिडर्ड वाइल मेकिंग द एग्रीगेट प्लान। सो दीज आर द फैक्टर्स, द रॉ मटेरियल प्रेजेंटली अवेलेबल विद द कंपनी और प्लांट। जितना रॉ मटेरियल एक कंपनी के पास इस वक्त प्रेजेंटली मौजूद है, वो उसको देखते हुए ही तो एग्रीगेट प्लान बनाएंगे कि हमें फ्यूचर में कितना चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें आने वाले 1 साल का एग्रीगेट प्लान बनाना है और उस 1 साल में हमको चाहिए 1000 kgs ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमारे पास एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल है 200 kgs, तो हमने एग्रीगेट प्लान बना लिया फॉर द अदर 800 kgs। नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ द वर्क फोर्स प्रेजेंटली अवेलेबल विद द कंपनी और प्लांट। जितनी हमारे पास वर्क फोर्स अभी प्रेजेंटली अवेलेबल है, तो हम तब वो देख के प्लान बनाएंगे कि मैं हमें फ्यूचर में 1 साल में या 2 साल में और कितनी वर्क फोर्स नीडेड होगी। द मशीनरी और इक्विपमेंट प्रेजेंटली अवेलेबल, जो भी हमारे पास मशीनरी और इक्विपमेंट है, चाहे हम उसे ओन कर रहे हैं या हमने उसको रेंट पर लिया हुआ है, इट डज़ नॉट मैटर, इट इज़ वर्किंग इन द कंपनी। तो हमें और एडिशनल किस मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, वो देखने के लिए हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास एग्जिस्टिंग मशीनरी कितनी है और कौन कौन सी है। देन द सब कॉन्ट्रैक्टर्स आर एसोसिएटेड विद द कंपनी। सब कॉन्ट्रैक्टर्स आर एक्सटर्नल पार्टीज और एक्सटर्नल कंपनीज विच आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द प्लांट्स कैपेसिटी। कुछ होते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर, जैसे अगर आपका प्लांट है उसकी कैपेसिटी 1000 kg ऑफ फिनिश्ड गुड्स बनाना है 1 महीने में, आपका प्लांट जो है 1 महीने में 1000 kgs ऑफ फिनिश्ड गुड्स बना सकता है, तो वो उस प्लांट की कैपेसिटी है। लेकिन अगर 1 महीने में अगर मार्केट की डिमांड 1200 है, लेकिन आपका प्लांट तो सिर्फ 1000 बना सकता है, तो बाकी 200 कहाँ से आएंगे हर महीने, तो वो आप आउटसोर्स करोगे किसी एक्सटर्नल सब कॉन्ट्रैक्टर को। तो सब कॉन्ट्रैक्टर कौन कौन से हैं और वो कौन कौन एसोसिएटेड हमारी कंपनी के साथ, उसको देखना पड़ता है बिफोर मेकिंग द एग्रीगेट प्लान। द डिमांड फोरकास्ट फॉर द कमिंग मंथ्स, ऑब्वियसली एवरी प्लान टेक्स केयर ऑफ दिस थिंग। अगर प्रोडक्शन से कनेक्टेड कोई भी प्लान हो, इंक्लूडिंग एग्रीगेट प्लान, तो उसमें हमको डिमांड फोरकास्ट तो देखनी ही पड़ेगी। वी विल हैव टू कंसिडर दिस थिंग, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फोरकास्ट वी विल गेट टू नो दैट हाउ मेनी यूनिट्स विल बी सोल्ड इन द कमिंग 6 मंथ्स और इन द कमिंग 1 ईयर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल डिसाइड दैट हाउ मेनी यूनिट्स वी विल मैन्युफैक्चर बिफोर सेलिंग देम।
Then the last point is the customer orders which would surely come in the coming months or years. एग्रीगेट प्लान बनाने के लिए अगर हम सोच रहे हैं कि भाई हमको ये रिसोर्सेज चाहिए और हमको ये काम करना है, तो हम कर तो रहे हैं उन्हीं कस्टमर्स के लिए, उन कस्टमर्स के ऑर्डर के हिसाब से ही तो काम कर रहे हैं. इफ़ देर आर नो कस्टमर ऑर्डर्स देन वॉट विल वी मेक? वी कैन नॉट मेक एनीथिंग. वी कैन नॉट एलोकेट एनी रिसोर्सेज इफ़ देर आर नो कस्टमर ऑर्डर्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज कस्टमर ऑर्डर्स वी क्रिएट अ प्लान दैट हाउ टू फुलफिल दोज ऑर्डर्स. देन देयर कुड बी सम स्ट्रेटजीज और यू कैन कॉल मैथड्स ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग. So I will discuss them one by one. The first one is level strategy. Now, a level strategy seeks to produce an aggregate plan that maintains a steady production rate and a steady employment level. It means that iska naam hi hai level strategy. So it will keep a balance. It will keep a particular level. It will not go below that level. It will not go up that level. So it means ke ek level maintain karke rakha hua hai. Ek production rate ka level maintain karke rakha hua hai. For example, agar koi company hai, उसने एक लेवल स्ट्रेटजी अपना रखी है, तो वो क्या करेंगे? दे विल मैन्युफैक्चर 1000 गुड्स इन अ मंथ, नो मैटर व्हाट, राइट? तो हर महीने वो 1000 गुड्स ही मैन्युफैक्चर करेंगे. अब फॉर एग्जांपल एक महीने में 1000 उन्हें गुड्स मैन्युफैक्चर करे और मार्केट की डिमांड भी 1000 थी, तो उन्होंने 1000 के 1000 सेल भी कर दिए. नाउ नेक्स्ट मंथ उन्होंने 1000 मैन्युफैक्चर करे, मार्केट की डिमांड किसी वजह से कम हो गई, शायद से कोई राइवल कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में, तो उस वजह से हमारे जो यूनिट सेल हुए वो खाली कितने हुए? 800. तो 200 हमारे पास बच गए, तो वो 200 हमने कहाँ रख लिए? रिजर्व स्टॉक में, फ्यूचर यूज़ के लिए. अब उसके अगले महीने मार्केट की डिमांड इंक्रीज़ हो गई और अब मार्केट की डिमांड 1200 है, लेकिन हम तो मैन्युफैक्चर सिर्फ 1000 ही कर रहे हैं, तो बाकी एडिशनल 200 हमें कहाँ से मिलेंगे? फ्रॉम दी रिजर्व स्टॉक. सो देयरफॉर वी हैव मेंटेन्ड अ स्टेडी प्रोडक्शन प्लान दैट दीज आर द नंबर ऑफ यूनिट्स विच वी विल मैन्युफैक्चर इन अ पर्टिकुलर पीरियड फॉर द कमिंग पीरियड्स. सो दैट इज नोन एज लेवल स्ट्रेटजी. द सेकेंड वन इज चेज स्ट्रेटजी. इट मीन्स दैट वी हैव टू चेज द डिमांड, एज सिंपल एज दैट. वी आर चेजिंग द डिमांड. लाइक अगर हमने मार्केट की डिमांड फोकास्ट करी और हमको पता चला कि अगले महीने 800 नंबर ऑफ़ यूनिट्स सेल होंगे, देन वी विल क्रिएट 800 नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन द प्रेजेंट मंथ, सो दैट वी कैन सेल दोज 800 यूनिट्स इन द कमिंग मंथ. ओके, अब अगले महीने हमने फिर मार्केट की डिमांड फोरकास्ट करी, हमें पता चला कि अब मार्केट की डिमांड अगले महीने 900 होगी, सो वी विल इन द प्रेजेंट विल क्रिएट 900 यूनिट्स इन एडवांस, सो दैट व्हेन द मार्केट डिमांड ऑफ 900 विल कम अप वी विल फुलफिल इट, राइट? सो दिस इज़ नोन एज चेज स्ट्रेटजी इन विच वी चेज डिमांड फ्रॉम द मार्केट. जैसी डिमांड है उसके हिसाब से हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. हमारा कोई पर्टिकुलर लेवल नहीं है. लाइक प्रीवियस जो स्ट्रेटजी थी लेवल स्ट्रेटजी, उसमें एक पर्टिकुलर लेवल था कि हम उसी लेवल पे ही हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उससे ज़्यादा है उससे कम नहीं करेंगे. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कोई लेवल है ही नहीं, हम तो चेज़ कर रहे हैं डिमांड को. जितनी डिमांड होगी हम उतनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. अब अगर ज़्यादा डिमांड होती है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी को ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना है, और ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना है तो कंपनी को और एडिशनल वर्कर्स हायर भी करने पड़ सकते हैं. इन द सेम वे अगर के मार्केट की डिमांड कम हो गई है किसी वजह से, तो एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है वर्कर के साथ कि कंपनी को हो सकता है कुछ लोगों को फायर करना पड़े अपने प्लांट से, क्योंकि मार्केट की डिमांड कम हो गई है और उसके लिए कंपनी को जितने वर्कर चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वर्कर कंपनी के पास एग्जिस्टिंग में हैं. तो उतने जो एडिशनल वर्कर्स जिनकी नीड ही नहीं है, जो अगर नहीं भी होंगे तब भी कंपनी जो है मार्केट की डिमांड को फुलफिल कर सकती है, तो उन वर्कर्स का क्या किया जाए? तो इन दिस केस कंपनी टेक्स सेवरल एक्शंस. सो वन ऑफ द एक्शंस इज टू फायर दोज एम्प्लॉयज, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग एज पर एज माई व्यू इज कंसर्न, बट इट इज़ डन. नाउ द लास्ट स्ट्रेटजी इज मिक्सड हाइब्रिड और कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी. नाउ इन दिस वी कैन सी दैट इट इज़ अ मिक्सड और हाइब्रिड. हाइब्रिड या मिक्स का मतलब होता है कि भाई हमने दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कॉम्बिनेशन लिया है यहाँ पे. मतलब हम लेवल स्ट्रेटजी के हिसाब से भी नहीं जा रहे, हम चेज़ के हिसाब से भी नहीं जा रहे, हमने अपनी एक अलग ही उन दोनों को कंबाइन करके अपनी अलग स्ट्रेटजी बना ली है ऑन द बेसिस ऑफ आवर ओन रिक्वायरमेंट्स. क्योंकि हमारा प्लांट है, हर एक प्लांट डिफरेंट होता है इन टर्म्स ऑफ मशीन्स, इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इन टर्म्स ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़. तो एवरी प्लांट इज़ डिफरेंट. So it is not necessary that every plant will use level strategy or every plant will use chase strategy. जो plant जिस strategy को use करना चाहता है, उन्हें सही लगता है अपने plant के लिए, वो उस strategy का use करेंगे. But mixed strategy का मतलब ये है कि plant अगर
ना लेवल स्ट्रेटजी चाह रहा है, ना चेज स्ट्रेटजी चाह रहा है, बल्कि एक मिक्सड स्ट्रेटजी उसने बना ली है। तो दैट काइंड ऑफ मिक्सड स्ट्रेटजी विल बी क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो उस टाइप के मिक्स स्ट्रेटजी में लेवल और चेज दोनों की क्वालिटीज़ होंगी, और दोनों के जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी हो सकते हैं, दोनों के जो एडवांटेजेस हैं वो भी हो सकते हैं। सो दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी विच इज़ मोर कॉमन देन लेवल एंड चेज इज़ कॉल्ड एज मिक्सड और कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी, राइट? लाइक इन द एंड इट इज़ रिटन दैट एवरी कंपनी कुड हैव अ डिफरेंट मिक्सड स्ट्रेटजी। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी विच हैज़ अडॉप्टेड अ मिक्सड स्ट्रेटजी मे डिसाइड दैट ओनली 50% और लेस देन 50% ऑफ द वर्क फोर्स कैन बी फायर्ड इन एवरी 3 months। सो अ क्वार्टर मीन्स 3 months। एंड कंपनी ने क्या करा, अपनी एक अलग स्ट्रेटजी बनाई, मिक्सड स्ट्रेटजी। उसमें उसने डिसाइड करा कि भाई 50% और लेस देन 50% ऑफ द वर्क फोर्स को ही हम फायर करेंगे इन एवरी क्वार्टर, उससे ज़्यादा हम फायर करेंगे ही नहीं। तो ये तो ना चेज स्ट्रेटजी हुई, ना लेवल स्ट्रेटजी हुई। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड एज मिक्सड स्ट्रेटजी। और ये मिक्सड स्ट्रेटजी हर प्लांट की डिफरेंट होगी, बिकॉज एवरी प्लांट इज़ डिफरेंट, एवरी प्लांट इज़ डिफरेंटली वर्किंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एग्रीगेट प्लानिंग एंड द मैथड्स और स्ट्रेटजीज ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग। सो एग्रीगेट प्लानिंग इन शॉर्ट इज़ अ प्लान फॉर द कमिंग 6 to 18 months और मे बी of the coming 2 years, and it contains details about every single resource which will be utilized during the production process. So that is the meaning of aggregate plan. So I will finish this topic now, and I will come up with a new slide next time. Till then, take care and bye.